Welcome to my magic apron. Happy New Year to everyone and hope you stay safe and blessed throughout the year. चलिए आज हम बनाएंगे नान, और ये है प्लेन नान एज वेल एज स्टफ नान। तो उसके लिए हमें चाहिए बाउल में थोड़ा सा दूध, एक टेबलस्पून चीनी, और उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा दही और 2 टेबलस्पून ऑयल, नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल जो हम घर पे यूज़ करते हैं, और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। हमेशा स्वाद अनुसार नमक क्यों बोलते हैं मुझे आज तक नहीं पता। स्वाद के अनुसार ही लोग काम करेंगे, अब बेस्वाद वाला काम तो करेंगे नहीं। चलिए अब इसे मिक्स करते हैं और इसमें डालते हैं मैदा। अच्छे से मैदा डालेंगे, और मैदा हमने थोड़ा सा डालना है, लाइक अराउंड 1.5 कप, और इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद जब ये थोड़ा सा घुल मिल जाए, और फिर हम इसे प्लेटफॉर्म पे निकाल लेंगे। प्लेटफॉर्म में निकालने के बाद इसको हमने अच्छे से गूंदना है और इसे हमने स्ट्रेच करना है। तो जितना ज़्यादा हम इसे स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा इसका ग्लूटेन एक्टिव होएगा और उतने ही अच्छे हमारे नान बनेंगे। तो इसको हमने अच्छे से करना है, और ये करते समय हमेशा थोड़ा सा मैसी हो जाता है। तो एज यू कैन सी कि चारों तरफ मैदा बिखरा हुआ है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा सूखा सूखा आपको कभी कभी ऐड करना पड़ता है। देन यू कैन जस्ट क्लियर इट धीरे धीरे करके, और ये हमारा बन गया है डो। अब इसे हमने आराम से रख देना है अराउंड 1 घंटे के लिए किसी भी गर्म जगह पे। आजकल ठंड है तो गर्मी तो होती नहीं है, अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप वहाँ रख दीजिए, या तो आपके घर पे खाना वाना बन रहा है तो आप गैस के पास इसे रख सकते हैं, या धूप आ रही हो तो धूप के पास भी रख सकते हैं। और स्टफ नान बनाने के लिए हमें चाहिए बॉइल्ड पोटैटो, थोड़ा सा प्याज और पनीर। तो स्टफिंग आपके ऊपर है, आप कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हो। इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया, लिटिल बिट ऑफ रेड चिली, अगर आपको ग्रीन चिली चाहिए आप ग्रीन चिली डाल दो, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे हम, और थोड़ा सा जीरा पाउडर और नमक। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करके ये स्टफिंग बना लेनी है। स्टफिंग बना के हमने इसे साइड रख देना है। अब अराउंड 1 घंटा हो गया है, सो हमारा डो तैयार है। इसे हम देखेंगे, आप देखो कितना फूल चुका है ये। इसको हमने अच्छे से एक बार दोबारा गूंद लेना है, और चारों साइड्सों से इसको आगे की तरफ फोल्ड करना है, और थोड़ा सा ऑयल लगा के हम कर लेंगे, और इसको हम बाहर निकाल लेंगे। और इसके हम बनाएंगे पेड़े। आप देख सकते हो कितना स्ट्रेची बन रहा है ये, जैसे बाहर मिलता है। सो एक बार इसे हमने एक डो बॉल बनाना है इसका, और इसमें आपके टोटल नान बनेंगे अराउंड 6, तो 6 नान आपके बन जाएंगे इसमें आराम से। तो आपने अच्छे से इसको रोल करके सारे डो बना लेने हैं। डो बनाने के बाद भी इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे हम, तेल लगा के इसको कम से कम 10-15 मिनट्स और रेस्ट देंगे, ताकि जो डो बॉल है वो भी अपनी शेप ले लें, और फिर कोई उसमें क्रैक ना आए जब आप इसको बेलोगे। नहीं तो नॉर्मली अगर आप साथ में ही टक के बनाने लग जाओगे तो कभी कभी वो क्रैक होता है और बीच में वो फट भी सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए। ये मैं मिक्स कर रहा हूँ नमक वाला पानी, बिकॉज वो हम लगाएंगे रोटी के पीछे, ताकि वो तवे पे अच्छे से चिपक जाए। और हमने एक नान बेल लिया है ना। नॉर्मली कलौंजी डालते हैं नान के ऊपर, हाउएवर मेरे को नहीं पसंद है कलौंजी का टेस्ट उतना, तो मैंने सिर्फ धनिया पत्ता यूज़ किया है। और इसको हमने फ्लैट कर देना है ताकि वो अच्छे से चिपक जाए, और इसे हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद इस पे लगाएंगे वो नमक वाला पानी, ताकि ये अच्छे से तवे पे चिपक जाए, और फेविकोल का जैसे जोड़ होता है ना वैसे चिपकना चाहिए, नहीं तो ये अगर ज़्यादा अच्छे से नहीं चिपकेगा तो आप ऐसे उल्टा करोगे और ये धड़ूम करके उसमें गिर जाएगा बर्नर पे, और फिर मज़ा नहीं आएगा।
तो ये अच्छे से हमने हाई फ्लेम पे आधा मिनट पकाना है इसको। और उसके बाद आप देखो कितने अच्छे से फूल चुका है ये नान। अब इसको हमने अच्छे से उल्टा करके पकाना है तवे को, और अच्छी तरह से हमने इसे सेकना है ताकि ये हर तरफ से पक जाए। और पकने के बाद इसके ऊपर आपने लगाना है बटर और करना है इंजॉय किसी भी सब्जी के साथ। यू कैन इंजॉय इट विद छोले, राजमा, पनीर, यू नो। और अगर दाल मखनी और पनीर आपको पसंद है तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, मेरी अवेलेबल है चैनल पे। देखिए पीछे से भी अच्छे से पक चुका है ये। अब इसे हम उतार देंगे और उतार के लगाएंगे इसमें बटर, और आप इसको ऐसे ही खा लेना, बहुत स्वाद बना था। और ये बना रहे हैं हम स्टफ्ड वाला, तो एक और पेड़े में हमने स्टफिंग अपनी जो बनाई थी वो हमने डाल दी है। अब इसको हम बेलेंगे और सेम तरीके से इसको भी हमने इसके पीछे नमक वाला पानी लगाना है ताकि ये अच्छे से चिपके रहे और अच्छे से फूल जाए और टेस्टी सा नान बन जाए। सो लेट्स डू दैट। और इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा धनिया पत्ता लगाना है। पानी हमने लगा दिया था और अब हम इसे फ्लैट कर देंगे। 30 सेकेंड्स आपने हाई फ्लेम पे पकाना है, फिर तवे को आपने उल्टा कर देना है, क्योंकि तवा जब गर्म रहेगा वो ऑटोमेटिकली उसको पकाते रहेगा जब आपने तवा उल्टा कर देना है। और देखो कितने अच्छे से ये फूल रही है। और फूलने के बाद लाइक नॉर्मली नान मैक्सिमम होते हैं वो फ्लैट होती है, ज़्यादा अच्छे से फूलती नहीं है। आप ये देखो कितने अच्छे से फूली है, और आप देखो जैसे लग रहा है कि परौठा बना रखा है हमने, बट ये है नान। और हमने लगाया है बटर, बटर लगाने के बाद इंजॉय करना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।